नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मेरे पास है ये हॉन्डे वर्ना फेसलिफ्ट जो 2020 में लॉन्च हुआ था। तो पहले जो मेरा सबसे पहला रिव्यू था YouTube पे वो वर्ना SX मैनुअल का था, जो प्री फेसलिफ्ट था। अभी ये SX फेसलिफ्ट हम लोग ने रिसेंटली लिया है, तो आज ही इसकी डिलीवरी थी। तो आज ही मैं सोचा कि इस पर रिव्यू बना लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीछे से देखें तो आपको LED लाइट मिलेगा, वरना लिखा हुआ मिलेगा। और ये टॉप लाइन नहीं है SX IVT, तो SX OIVT नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक है। जो रिप्लेस हुआ है टॉर्क कन्वर्टर यूनिट से, सीधा आपका CVT आ गया अब। और तो आपका अगर मैं पीछे बताऊँ तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक क्रोम वाला बम्पर मिलेगा। तो पहले से थोड़ा अग्रेसिव कर दिया है लुक्स को, तो लुक्स पहले से थोड़ा बेटर हो गया है, थोड़ा और बल्की लगने लग गया पहले से, तो और स्पोर्टी लगने लग गया। तो इसका जो लेंथ का बात करें, 4440mm है, जो व्हील बेस है 2600mm है, जो एग्जैक्टली फोर्थ जेन होंडा सिटी का था। बस इसका हाइट थोड़ा कम है, 1475mm है, बट ऐसे ओवरऑल उसके डायमेंशन बहुत अच्छे हैं। तो इसका जो पीछे का टायर साइज़ देखें तो आपका 195/55R16 आगे डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे ड्रम ब्रेक, क्योंकि ये एक फ्रंट व्हील टाइप गाड़ी है। तो अलॉय डिज़ाइन अच्छा है। SX में आपको सिंगल टोन मिलता है, SX1 में आपको डुअल टोन मिलता है। क्रोम एक्सटीरियर डो हैंडल्स मिलेगा, और आपको एक शार्क फिन एंटीना मिलेगा, और ये आपको एक सनरूफ मिल जाएगा जो फाइनली SX में इन्होंने ऐड कर चुका है, पहले नहीं था। और यहाँ आपको ऑटो लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक है। सामने से आपको हैलोजन हेडलाइट और LED DRL मिलेगा, फॉग लाइट भी मिलेगा आपको। नीचे आपको क्रोम का एक वो स्किड प्लेट मिलेगा, और जो बम्पर है बहुत ही पहले से ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि एकदम एक मेश ग्रिल दिया है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगता है आगे से। हाँ, तो ORVM है, टर्न इंडिकेटर है। तो बूट खोल के बता दो तो आपका पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट अभी है, पहले या तो सिर्फ चाबी से या वहाँ ड्राइवर साइड से वो लीवर को खींच के कर सकते हैं। अभी इन्होंने इंडिकेट कर दिया है बटन को भी। तो ये 480 liters का बूट है, और वरना का आपको ये मैट मिलेगा। और यहाँ आपका एक स्पेयर व्हील है टूल किट के साथ, तो अच्छे से पैकेज किया गया है। तो ऐसे मोटा मोटी सब कुछ सेम है, क्योंकि एक फेसलिफ्ट है, तो आपका डायमेंशनस और जो कैपेसिटी सब में फ़र्क नहीं पड़ा है। मेन जो आपका फ़र्क पड़ा है वो फीचर्स, लुक्स और इंजन में पड़ा है, क्योंकि BS6 में इन्होंने अपना 1.6 डिसकंटिन्यू करके 1.5 डाल दिया नया, जो क्रेटा में और सेल्टोस में भी ड्यूटी करता है। तो अंदर घुसने से थोड़ा मुश्किल हो सकता है 6 फुटर्स के लिए, क्योंकि कार का हाइट थोड़ा कम है। तो ऐसे देखें तो लेगरूम और नीगरूम ठीक है, मैगजीन होल्डर मिलेगा, अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, क्योंकि सीट थोड़ा लो है बट ऐसे थोड़ा सपोर्ट आता है। हेडरूम कम है क्योंकि मेरे को 1 ही इंच है, मैं 6 फीट हूँ, तो 6 फुटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है पीछे। तो जो ट्रांसमिशन टनल ऐसे फ्लैट है, बट 3 लोग आना मुश्किल है, क्योंकि सीट थोड़ा क्रैम्प्ड लगता है 3 लोग बैठे हो तो, रियर एसी वेंट्स है। और हाँ, सबको एक यहाँ आपको एक रियर आर्म रेस्ट मिल जाएगा, और आपको एक पीछे यहाँ ब्लाइंड भी मिल जाते हैं, विंडो का ब्लाइंड, ये पहले नहीं था, इन्होंने अभी ऐड किया SX में। तो पहले SX O में था। यहाँ आपको एक मैप लाइट मिल जाएगा, हाँ, और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। तो इसमें सेफ्टी में बात करें तो 2 airbags, ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। तो पहले टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं था, तो अभी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स है, और जो माइलेज है AIVA से 18.4 किलोमीटर पर लीटर है IVT के लिए। तो आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट सीट्स है, और ये आपका इंटेंसिटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेट करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर है, ये बॉनेट खोलने का लीवर है, और डोर पॉकेट भी ऐसे बड़े, तो 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाएगा इधर। तो आपको एग्जैक्टली जो MID में आपको बताएगा कि कौन सा डोर खुला है जो पहले नहीं था, तो एक डिजिटल डिस्प्ले इधर डाल दिया इन्होंने। हाँ, तो अभी आपको मैं सेंटर कॉन्सोल दिखाता हूँ। सर, यहाँ आपका एक ड्राइवर आर्म रेस्ट मिलेगा थोड़ी जगह के साथ, 2 कप होल्डर है, और यहाँ आपका एक 7 स्टेप CVT मिलेगा, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइविंग इधर डाल देते, मैनुअल मोड आ जाएगा आपका, वायरलेस चार्जिंग जो अभी भी इन्होंने ऐड किया है, और यहाँ आपका चार्जिंग ऑप्शन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल का प्ले, और यहाँ आपका एक बहुत बड़ा सा ग्लव बॉक्स है। तो ऐसे क्वालिटी मटेरियल्स ठीक है, ऑटो डिमिंग इनसाइड व्यू भी मिल जा रहा है, और यहाँ आपको एक मिरर मिल जाएगा। हाँ, और इधर भी आपको एक मिरर मिल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। 2 लाइट मिलेंगे और एक सनग्लास होल्डर मिलेगा। तो ये सब पुराने वरना में तो था ही। मेन आपका जो फर्क है ये सनरूफ का आता है, जो पहले नहीं था SX में। तो SX में इन्होंने बहुत चीज़ें ऐड किया है,
अगर मैं लिस्ट लेके बैठूँ तो जैसे कि आपका सनरूफ ऐड किया गया है, 8 इंच टच स्क्रीन मतलब साइज़ बड़ा कर दिया गया, वायरलेस चार्जर डाला गया, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटर, एक विंडशील्ड ब्लाइंड डाला गया है, और मेन आपका जो है इसमें कुशन्स भी रहते हैं आपके हेडरेस्ट के बाजू, तो वो आपके बहुत मतलब सपोर्टिव होता है। तो जो इलेक्ट्रो मैग्नेट टेल गेट भी दिया इन्होंने, पहले पहले नहीं था, मतलब अभी इन्होंने दे दिया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी डाला है, पहले ऐसे वो चाबी से करते थे। अभी मैं आपको चालू करके बताता हूँ, तो इसमें एक सिस्टम चेक करेगा एग्जैक्टली आपका वरना बताएगा। तो ये आपका MID है, इसको मैं आपको ब्राउज करके दिखाता हूँ, जो आप ये बटन से कर सकते हो। तो आपका फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइविंग इन्फो सब बताएगा, माइलेज बताएगा। तो आपका यहाँ यूज़र सेटिंग्स है, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, थीम सेलेक्शन, अदर फीचर्स, लैंग्वेज रीसेट, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स पहले से दिए गए हैं। और ये आपको टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाएगा इधर। तो अभी इन्होंने फुल डिजिटल कर दिया है, एक तो MID तो डाली और डिजिटल कंट्रोल्स डाल दिए इधर। और ये आपका 8 इंच टच स्क्रीन है, तो मैं ये आपको ब्राउज करके दिखाता हूँ। तो ऑल मेन्यूज में जाए तो फ़ोन, रेडियो, मीडिया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले, वॉइस मेमो, ड्राइवर व्यू मॉनिटर और सेटिंग्स मैनुअल भी मिलेगा। तो ड्राइवर व्यू मॉनिटर ये है कि बेसिकली जब आप ड्राइव में डाल के चला रहे हो, आपको जैसे एक बेसिकली आपका जो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, आपको जो पीछे से गाड़ी आ रही है आपको वो सब बताता है, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल वाईफाई सब मिल जाएगा। तो ब्लूटूथ सब है इसमें, तो ये अच्छी बात है। तो मैं आपको इसका व्यवस्थ कैप पार्किंग कैमरा दिखाता हूँ। हाँ, तो रेजोल्यूशन ऐसे ठीक है। हाँ, और आपका यहाँ का गियर इंडिकेटर भी बताएगा कि एग्जैक्टली आप कौन से गियर में, अभी जैसे पार्क में तो पार्क में बताएगा R&D, वैसे सब बता देगा आपको। तो बहुत ही सारे फीचर्स इन्होंने ऐड किया है, उसमें आपको वॉइस कमांड भी मिल जाता है। आपको मैं स्टीयरिंग व्हील दिखाऊँ तो आपको वॉल्यूम कंट्रोल, मोड सेलेक्टर, वॉइस कमांड, कॉल अटेंड डिक्लाइनिंग, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल है। तो बहुत सारे सेटिंग्स इन्होंने ऐड कर दिया है। तो आपको अगर मैं चाबी बताऊँ तो आपको लॉक अनलॉक करके डायरेक्टली आप बूट खोल सकते हैं इधर से। तो इन्होंने पहले मतलब आपका एक नॉर्मल ऐसा आता था, इन्होंने अभी पियानो ब्लैक में दिया, तो अच्छा चीज़ है। हाँ, तो अभी मैं आपको इंजन बे खोल के दिखाता हूँ। और एक और चीज़ की गाइज, मतलब अभी मैंने इतना चीज़ नोट किया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी एक अच्छा पुश मिलेगा कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो जितने लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे, तो उतना मेरे को गाड़ी भी कंपनी से मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब दीजिए तो फिर मैं आपके लिए और गाड़ियाँ चला सकता हूँ। तो चलिए हुड खोल के देखते हैं। तो हुड खोले तो आपका 1.6 लीटर से 1.5 लीटर आ गया, BS6 एमिशन नॉर्म्स का है। तो ये एक पेट्रोल इंजन है और नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो ये 115 हॉर्स पावर, 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो जो 1.6 लीटर था वो 123 हॉर्स पावर था और 151 न्यूटन मीटर्स, तो 8 हॉर्स पावर और 7 न्यूटन मीटर्स डाउन है टॉर्क में। बट इसका एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दिया पहले से, क्योंकि 1.6 मतलब बहुत ऐसे फ्यूल कंज्यूम करता था। तो मैनुअल वाले में ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आता था। तो बोले कि एक तो BS6 के कारण थोड़ा और फ्यूल एफिशिएंट हो चुका है पहले से। तो ओवरऑल जो मैं देखूंगा वरना के बारे में, मेरे लिए क्या देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत आदमी भी हो सकूँ, क्योंकि हम लोग के घर में ऑलमोस्ट 15 साल हो गया है वरना को, हमारे घर में 30 ही वरना है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है। बट चलिए अभी रियल वर्ल्ड में आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है SX IVT, ये वैल्यू फॉर मनी इसलिए क्योंकि बस आपका थोड़ा फ़र्क आ जाता है जो टॉप एंड से कंपेयर करें तो, 6 एयरबैग्स, वेंटिलेटेड सीट्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, सेफ्टी में इन्होंने सब इसमें दिया है, ब्लू लिंक, नेविगेशन सब आपको उसमें आता है, और स्मार्ट ट्रंक भी मिलता है, डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, फ्रंट LED लाइट्स मिलता है, हेडलाइट्स बेसिकली। तो ऐसे बहुत कुछ फ़र्क आ जाता है। पर अगर किसी को अपना बजट 2-2.5 लाख नहीं बढ़ाना हो और किसी को अगर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेनी हो, तो मेरे हिसाब से SX मैनुअल और SX IVT लेना वर्थ है। दूसरा चीज़ क्या, 2022 बेसिकली या 2023 अर्ली में वरना लेना फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये आंसर मैं दूंगा कि यस, फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो फीचर्स अभी भी जो वरना देता है ऑलमोस्ट टॉप इन सेगमेंट है। कोई कोई फीचर्स ठीक है, वर्टूस और स्लाविया शायद बेटर देती होगी, मेन जो है वर्टूस और स्लाविया का स्पेस और फीचर्स भी देता है, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक्स मेरे सबसे वरना अभी भी मेरे सबसे बेस्ट दिखती है पूरी सेगमेंट में। होंडा सिटी के लिए भी मेरे को है, बट वरना मेरे को एक पता नहीं एक आता है कि एक स्पोर्टी गाड़ी और इतने साल से परफॉर्म कर रही है, तो अगर क्या पता जब नई वरना आए
उसका भी एक प्राइस प्रीमियम में होने वाला है, तो अगर क्या पता जो अब 15 अभी सोचे वो 17 भी हो सकता है, तो अपने फ्यूचर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको लेना हो तो आप, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको हेल्प कर सकते हैं अभी जब भी आपको कोई डाउट हो। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि आपको कैसे लगी वरना कमेंट सेक्शन में।